जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस राजभर। तो गाइस आज संडे है, उसके साथ ही साथ 5 जून है पर्यावरण दिवस, और आप सबको मेरी तरफ से पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं है। तो दोस्तों आज तो संडे था और लेकिन मुझे ड्यूटी जाना पड़ा क्योंकि पर्यावरण दिवस है, और हम लोगों ने आज बहुत सारे पौधा लगाया है। और 5 जून का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं, और हर साल पर्यावरण दिवस का एक थीम होता है, और इस साल पर्यावरण दिवस का थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इसका मतलब है हम लोगों ने साल भर पारिस्थितिक तंत्र का जो भी हम लोगों ने नुकसान किया है उसको फिर से पुनः प्रतिष्ठा, इकोसिस्टम को पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। और ये पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ेगा, जैसे कि वृक्षारोपण, पौधा लगाने का, जल संरक्षण करने का, प्रदूषण की मात्रा कमाने का, और प्लास्टिक वर्जन करने का। ये सब काम करने से हम लोग फिर से इकोसिस्टम को या पारिस्थितिक तंत्र को पुनः प्रतिष्ठा कर सकेंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ एक दिन, ये साल में एक दिन काफी नहीं होता है हमारे पर्यावरण को ठीक करने का, क्योंकि हम लोग साल भर में कितना हजार हजार पेड़ काटा जाता है, वही हजार हजार पेड़ जब पौधा रहता है और पौधे से जब वो पेड़ बनता है बहुत साल लग जाता है में, तो हम लोग खाली क्यों एक साल में एक ही दिन पौधा लगाए। हम लोग अभी मौका मिले या समय निकाल के अपने जन्मदिन में हम लोगों को एक एक पौधा लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोगों को क्या लगता है, हर एक साल में एक ही दिन पौधा लगाना काफी है, या फिर लोगों को जब भी मौका मिले या समय निकाल के पौधा लगाना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और तो आज तो संडे है दोस्तों, और संडे में मुझे बहुत ज्यादा काम रहता है, घर की सफाई करना, कपड़ा धोना, अच्छा बना के खाना। लेकिन आज तो मैं चली गई थी, घर का सफाई भी नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत कपड़ा धो लिया है। अभी मैं आधे से मैं अंडा लेके आई थी, अंडा करी बनाऊंगी। अभी तो सोच रही इतना गर्मी में बनाऊं या नहीं बनाऊं, पता नहीं क्या करूंगी मैं। और देखिए ये जो साड़ी मैं अभी पहनी हूँ, आप लोग को पता ही है कल इसका मैंने सेकेंड ऑपरेशन किया था, लेकिन अभी अच्छा ही लग रहा है पहन के। और इसका जो फटा हुआ हिस्सा था पता नहीं कहाँ गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इस साड़ी को मैं अच्छी तरह से बहुत दिनों तक पहन सकूंगी, बहुत दिनों तक मैंने जितना दिन मन चाहे उतना दिन पहन सकूंगी। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे वीडियो।